हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज हम खेलेंगे रिटेल स्टोर सिमुलेटर। तो फटाफट से हम अपने स्टोर के सामने आ चुके हैं। अंकल जी, आप क्या देख रहे हैं? अभी दुकान ओपन है, इसको क्लोज कर, अभी इसे हम ओपन करेंगे। तो ये ओपन हो चुका है, ये डोर पूरा ओपन कर लेना है। भाई फिर से क्यों क्लोज हो गया? ऐसे पूरा ओपन कर चुकी है। आप कस्टमर आएंगे, पहले हमने ये मंगा रखे हैं, बहुत सारे सामान हम लगाते हैं रैक पे, तो हमने इधर मंगा के रख दिए थे क्योंकि उधर चोरी हो जाते हैं। तो फटाफट से हमने यहाँ ला के लगा रखे थे, अब इसे जाके लगा दे रहे हैं। यहाँ पे फटाफट से लग जाए, हाँ ये लग गया। इन्हें हम डस्टबिन में डाल के आते हैं, ये कूड़ा है ना, हम डस्टबिन में डाल के आएंगे। भाई डस्टबिन में डल गया, भाई डल जा रहे हैं। तो इसको हम डस्टबिन में डाल दिए हैं, उसका हम दूसरा सामान ला कर डालेंगे। अभी तक तो कोई कस्टमर नहीं है यहाँ, बट लेकिन एक आ चुके। तो फटाफट से हम अपना आपको यहाँ पे बिलिंग सेटअप दिखाते हैं। यहाँ पे हम, यहाँ से हम कैश दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पे क्लेम नहीं हुआ सामान, अगर सामान अभी क्लेम होगा उसके बाद से यहाँ से हम कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, कैश रिटर्न भी दे सकते हैं। तो फटाफट से आंटी जी आप आइए, आपका पहला हिसाब कर दे रहे, उसके बाद हम उधर रैक में लगाएंगे। आंटी जी ने ये बहुत लिया, ये बहुत बिकते हैं, क्या 44। आंटी जी ने कैश दिया, ड्रो खोलते हैं, 6 रुपीज़ वापस देंगे आंटी जी को। एक माइनस कर दिया, एक मिनट। हाँ आंटी जी आप पैसे दिए, आप जाइए। वाह आंटी जी, कार्ड से हम यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है अंकल जी, आप जाइए यहाँ से। इसके बाद हम अपना फटाफट से और सारे सामान है उन्हें ला के लगा दे रहे हैं यहाँ पे रैक पे। तो हमारे पास एक ये है और एक गोला है, तो फटाफट से पहले इसे हम लगाएंगे। बस लग जाए यार, तो फटाफट से हमने यहाँ पे लगा दिए। एक बचा है, एक यहाँ पे लग गया। चलो आंटी आके भी ले लिया हमने, लगा दिया। आंटी जी अभी जाएंगी उधर हमारे काउंटर पे, तो अभी हमें काउंटर पे जाना पड़ेगा। आ रहे आंटी जी, आप खाली गुस्सा मत होना, बोलिए जल्दी दीजिए। आंटी जी ने बस इतना ही लिया, लो कार्ड दे दी, कार्ड से पेमेंट करना आसान है। ठीक है आंटी जी, बाय बाय। अभी हम कोला ला के लगाएंगे। यहाँ से हम ले लेते हैं इसमें कोला, नहीं एक पैकेट बस कोला का बचा है, ऐसे हम कोला ला के लगाएंगे। इधर कस्टमर को आने की इजाज़त नहीं है इस रूम में, बस इसमें हम सिर्फ आ सकते हैं। उसकी दाम कितने रखे? इतना मार्केट प्राइस है 2 रुपीज़ $2.49, 13 नहीं 5 रख दे रहे हैं, $5। ठीक है अभी अंकल जी आप खाली घुसाना मत, अंकल जी बस, अंकल जी आप खाली घुसाना मत। उसका तो मैं आ गया अंकल जी। जी अंकल जी, अरे अंकल जी ने तो बहुत सारा सामान लिया, थैंक यू अंकल जी इतना सामान लेने के लिए, जो कार्ड दे रहे हैं। अंकल जी आपका पेमेंट हो चुका है। फटाफट से पहले मैं ये डोर बंद कर दूँ, ये डोर मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है। अब बंद भी हो गया, हाँ अब एक ही डोर ओपन रहेगा, सही रहेगा। आंटी जी आप फटाफट से आ रहा हूँ। बोलिए आंटी जी, आपने एक कोला लिया, इसका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, $11। बाय। मैं हमें लास्ट में पता चलेगा कि हमने कितने कस्टमर को हैप्पी किया, कितने को सैड किया, कितने हमें टिप दे के गए हैं। फिलहाल अभी हमारे पास पैसे हो जा रहा है, सामान भी ख़त्म हो जा रहा था। अभी वेल्डिंग मशीन ला के लगाएंगे, उसमें हमें ये नहीं रहेगा कि हमें बिलिंग करनी पड़ेगी, उससे खुद से बिलिंग होगी, हमें वो फ़ायदा रहेगा। क्योंकि वो कितने रिटर्न दे रहे हैं? $22 देने। ये लो अंकल आंटी जी, बाय। अभी कस्टमर नहीं आ रहे कोई, हमें सबसे पहले यहाँ से जाके ये करने होंगे, वेल्डिंग मशीन खरीदने होंगे। तो एक दो ज़्यादा नहीं, दो सही है। हमने दो बाय कर लिए फटाफट से,
वो आ चुके होंगे बाहर, अभी तो कोई कस्टमर फिलहाल नहीं आए हैं। देखो वो आके बाहर रखे हुए हैं, तो बाहर आके रखे हुए एक यहाँ पे, नहीं नहीं इसको इस साइड लगाते हैं, इस साइड से देखेंगे कस्टमर, इसमें ऐसे करके लगाते हैं। अरे उल्टी ही लगा दिया मैंने, इसको पहले मूव कराते हैं। अबे आप क्या हो गया, आप कस्टमर को ऐसे लेके जाना पड़े, अबे यार क्या क्या होता रहता है, वह मूव नहीं हो सकता। इन अंकल ने तो काफ़ी सामान लिया है, तो अंकल जी ठीक है, अंकल को $2 वापस करना है, $2 ये लो अंकल जी, जाइए बाय। आंटी जी ने बस एक ये सीरियल करके क्या है कैश दे दिया, उनको ₹4 रिटर्न भी देना है, बोल पे ले गई आंटी जी, ठीक है बाय। उनका कोई जुगाड़ नहीं हो सकता, हमें सब सारा सामान निकालना पड़ेगा, चूंकि हमसे नहीं होने वाला। एक और है उसे हम अंदर ला के लगा देंगे, पहले आ जाएंगे भाई अंदर की साइड है, इधर 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 ये सही लगा, इसको अंदर से नहीं मूव नहीं कर सकते। एक आंटी जी आई सामान लेने, आंटी जी ने तो काफ़ी सामान लिया, कैश मेरी आंटी कार्ड देते तो सही रहता, $15 वापस करना, चलिए आंटी जी थैंक यू, थैंक यू बोल जी, कस्टमर है भाई हमारा। आंटी जी अरे अरे यहाँ से वो ख़त्म हो चुका, उन्हें फटाफट से लाना पड़ेगा। फटाफट से इनको लगाते हैं हम, इन्हें डस्टबिन में डाल के आते हैं। तो फटाफट से हम कुछ सामान ऑर्डर कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं रैक हमारे पास, एक ये कर दे रहे हैं जैक कॉर्ड, ये दो कर दिया मैंने, ये सबसे ज़्यादा बिकते हैं, ये क्या है ये कर दिया, और यहाँ पे रैक वगैरह तो हमें करने नहीं है। ये ज़्यादा हो रहा है सटा, अरे मैंने पूरा ही कट कर दिया, एक ये सीरियल चौकी पिक, ये पूरे कर दे रहे, कितने का 5 ऑर्डर हो चुके हैं, अच्छा बाहर आ गए होंगे सामान। एक कस्टमर है, एक कस्टमर है, एक कस्टमर पीछे भी है, आइए फिर उठ के ₹7 वापस देने, मैं लाइए थैंक यू कार्ड कार्ड है हमारे, लगता है स्टोर तो चल बसी अब, इसमें क्या इसे फटाफट से लगाते हैं यार, पहले इधर लगाते हैं, उधर नहीं उधर नहीं इधर ही जाना, कर ये सामान हमारे चोरी हो जाते हैं कभी कभी, इसमें ये नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए। एक कस्टमर है वहाँ पे, एक बच्चा आ रहा हूँ, 6 रुपये नहीं इसके प्राइस है 13 रुपये, यहाँ 6 लगे हुए यहाँ 13, एक मिनट एक मिनट आगे पहले सही करता नहीं तो मैं पढ़वा दे दूँगा, मैं इतने में लाया ना इससे सस्ते में तो बेच रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं लगेगा पढ़वा देने में, दे दो भाई दे दो कार्ड है 13 रुपीज़, ठीक है एक और है, दे दे रहे आपको रिटर्न, जी आप जाओ पहले मैं इसे सही कर लूँ,
भाई मूव नहीं करना, इसका चेंज करना मुझे। हाँ आप सही हो गए, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसको जाके लगाते हो, ये तो स्प्राइट की तरह दिख रहा है, नीचे जाकर रखना। इसका प्राइस 5 रुपये, 13 रुपये ज़्यादा हो गए, मुझे लगा कि 5 रुपये। चेंज ₹9 कर दे इसमें। वहाँ पे एक कस्टमर लाइन में लगे हुए, गाड़ी में जाकर रबट से लगाते हैं, ऐसा हमारा स्टोर बहुत जल्दी चल बस तो अच्छा खासा हो जाएगा। कैश 7 रुपीस देने वापस दे दीजिए, ठीक है। एक और हमने ज़्यादा लग रखी है, ज़्यादा कार्ड कार्ड भाई जो बोलते हो वही निकलता है, ऐसा लगता है। वो गए अंकल जी, थोड़ा फिर से अभी हम इन्हें लगाते हैं, ये सबसे ज़्यादा बिकते हैं इस स्टोर में। ये लग गया, इसे फेंक क्या था पहले, मैं कहता हूँ एक रैक किसी की लगा दो, उसके लिए हमें रैक लेने पड़ेंगे, पर अभी तो जगह नहीं है। इधर आजा साइड में, रैक लेनी पड़ेगी, रैक लेनी पड़ेगी हमें, हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है बाय, हम फटाफट से एक रैक मंगाते हैं। ये क्रैक सॉरी दो रैक वो मंगाते खाना उनका, वो कहाँ चला गया है, हो चुका ऑर्डर। ठीक है हमारे पास पैसे नहीं है, 89 रुपीस के एक है, हटाओ हमारे पास अभी पैसे नहीं, जितने भी सबके मंगा लिए। अब एक कस्टमर आए हुए हैं, वो फटाफट से निपटाते हैं। एक रैक पूरा इनके लगाने जा रहे हैं, ये जो सीरियल है ना इनका, एक पूरा रैक लगाऊंगा। एक मिनट चाहिए आप लोग, इधर इसको थोड़ा साइड में करके लगाऊंगा। एक मिनट, हाँ कस्टमर है, एक सामान के लिए इतने कस्टमर को वेट टाइम तो फिर हो गया भाई। अब आएगी कोई, एक मिनट एक मिनट, इसे लगा के फटाफट से लगा देते हैं। जाना आंटी जी, इसके 15 रुपये रखते हैं, बहुत बिकते हैं इसके 15 रुपये, इसके पूरे इस पर 15 सेट करेंगे। इस रैक पे तो मैं पूरा यही रखने वाला हूँ, पूरा रखने वाला हूँ। ये नहीं चाहिए, पॉइंट हो जाता है गड़बड़ हो जाता है। पॉइंट में अगर कैश लेने आए तो फिर उसे रिटर्न दो, 15 सेट हो गया, सही। एक मिनट आ रहा हूँ आंटी जी, आप इधर आ गया बस, कस्टमर दो हो गए ना, आप जाऊँगा। इन्होंने सही लिया, बड़ा गुस्सा रखा, कितने रिटर्न करने, 2 रुपये बाय। इनका फालतू पढ़ने का टाइम नहीं, बोल के गई है। रिटर्न कितने करते, 30
भाई 66 बाय अब कौन ये लगाते हैं फिर से। अब तो रात भी हो गई एंड भी होने वाला है। ₹15 ठीक है ठीक है। अब जो कस्टमर है उन्हें हम सही कर देंगे, उसका हम शॉप को बंद कर देंगे, स्टोर को मतलब अपने। तो सब जा चुके हैं, फटाफट से पहले क्लोज कर देना इसको, रैक अंदर ला के लगा देना पहले। अच्छा अच्छा उनके 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 ये तो आगे पीछे लग रहे यार, तुम आ करो इसको क्लोज शॉप करेंगे या मूव कर देंगे ऐसे तो बोल रहे हैं। ये मूव हो जाएंगे ना जो यार नया मिला यहाँ पे नहीं रख सकते। एक फिर तू आ गया अभी थोड़ी सी फिर को एकदम आ गए थे तुम। अबे अबे यहाँ पे लग जाए इसे इधर आ जाए इधर इधर नहीं किधर इधर नहीं लगाएंगे क्योंकि सामने से लोग देखते हैं। हमारा स्टोर छोटा पड़ जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। उनके सेट के लगाएंगे पूरे बच गया थोड़ा सा करते हैं। लगभग सही लगा है इन्हें भी अभी वैसा ही करेंगे पूरा और अपना ये स्टोर बहुत बड़ा बनेंगे। इन पे ये वाले सामान ला के लगाते उनके ₹3 प्राइस रखते हैं लेने फ्रॉड से ये करके दे तो हे गाइस अभी हम पूरे शॉप पे जा रहे हैं कस्टमाइज करने हैं तो उसकी वीडियो भी नहीं डालेंगे। तो फटाफट से हम इस शॉप को पहले कस्टमाइज कर लेंगे।